नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी, मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। जननी मीन्स माँ, तुल्य मीन्स समान, वत्सला मीन्स होता है प्रेम। वत्सल, वात्सल आपने पढ़ा होगा, प्रेम। कितनी अच्छी बात है जननी तुल्य वत्सला, माने माँ का अपने पुत्रों के प्रति वात्सल्य, प्रेम। सबसे अच्छी बात है माँ आज के जनरेशन में यदि बच्चों से पूछा जाए तो उन्हें अब माँ का नाम पूछा जाए कि आपकी माँ, माँ कितनी होती हैं, तो एक ही बताते हैं कि मेरी माँ जो हमें जन्म दी है वही हमारी माँ। लेकिन इस पाठ से हमें शिक्षा मिलेगी कि आप देखे होंगे एक तो होती हैं जन्म देने वाली माँ जो हमें जन्म देती हैं, एक जन्म देने वाली माँ हो गई, जन्म देने वाली माँ। दूसरा, जन्म देने के बाद कुछ ऐसी माँ है जो पालने का काम करती हैं, तो पालने वाली माँ, पालन करने वाली माँ। देन गौ माँ, गौ माता जिसको कह सकते हैं, या गौ माँ, गौ माता। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां इन सबकी भूमिका है वो है पृथ्वी माँ, पृथ्वी माता है पृथ्वी माँ। अब चूंकि ये प्रसंग ही महाभारत का है तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जो जन्म देने वाली माँ है, सभी को पता है कि महाभारत के प्रसंग से केवल मैं बात कर रहा हूं अभी, तो देवकी माँ का आप सभी ने नाम सुना होगा कि देवकी माँ ने कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया और उस कृष्ण जैसे पुत्र का पालन यशोदा माँ के द्वारा हुआ। यशोदा माँ भगवान कृष्ण का पालन पोषण उसी तरीके से की जिस प्रकार से एक जन्म देने वाली माँ करती है। तो उन्हें जो प्रेम मिला, जन्म देने वाली माँ का भी प्रेम मिला और पालन करने वाली माँ का भी प्रेम मिला। और इन दोनों से आप देखते हैं जो मैंने लिखा गौ माँ, गौ माता, गौ माता, इनका भी बहुत नाम है। आपने सुना कामधेनु गाय का नाम सुना होगा जो हमेशा इच्छित वर देने का काम करती थी, ये कामधेनु गाय से रिलेटेड गौ माता। जो भी गाय है सब उनको, सभी गायों को माता का दर्जा दिया जाता है। तो तीसरी माँ जो मैं बता रहा था वो गौ माता। और इन सभी का जो योगदान, सभी का उपहार जिनके सिर होता है वो है पृथ्वी माँ। तो ये माँ की बात है तो मैं एक तरीके से और भी है कह सकते हैं, लेकिन जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं ये है माँ। अब बात आती है माँ, देखिए जब संसार के किसी भी प्राणी का जन्म होता है तो जन्म लेते ही उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है, माँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो बच्चे की प्रेम होता है, जो बच्चे का स्नेह होता है वो माँ के प्रति होता है, और जो माँ की ममता होती है उसे ममता शब्द कहा जाता है। जो माँ की ममता होती है वो अथाह होती है। कहा भी गया है कि व्यक्ति कितने भी पुण्य कर्म कर ले, चारों धाम वह कर ले, माता यदि पुत्र संतान अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा दे, इसके बावजूद भी कहा जाता है कि पुत्र मां के ऋण से, मां के कर्ज से उऋण नहीं हो सकता। अब आप सोचिए कि जो मां का कर्ज है वो ये माना जाता है कि चारों धाम का, चारों धाम समझते हैं ना, जो चारों धाम का तीर्थ कराने के बाद भी पुत्र
पुत्र मां के कर्ज से, मां के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता। तो आप ये सोचिए कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यदि वह मां की सेवा करे, इसके बावजूद भी मां का जो कर्ज पुत्र के प्रति होता है, संतान के प्रति होता है, वह पूर्ण नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। जिस मां ने इस संसार में लाने का काम किया, मेरे साथ देखिए कि वो मां 9 माह तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, उसके बाद जब वो संसार में आता है तो उसे उस योग्य बनाती है कि अंत में वह अपने आप को धन्य मानती है कि आज मेरा पुत्र इस योग्य है। अब बात आती है यदि मां की 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 जो भी संतानें हैं, मां के लिए हर संतान उतनी ही प्रिय होती है। उसके साथ ऐसा नहीं कि ये पहला है इसलिए इसमें इसने कम हो जाएगा, ये सबसे छोटा है इसलिए इसमें ज्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मां हर पुत्र से, मैं आपको बोल रहा था कि मां का जो स्नेह होता है बड़े के प्रति या छोटे के प्रति या किसी बीच वाले के प्रति नहीं, सभी के प्रति समान प्रेम होता है। अब बात आती है कि हैं तो सभी पुत्र, लेकिन जो पुत्र वास्तविक में दुर्बल होता है, कमजोर होता है, दुखी होता है, किसी रोग पीड़ा कष्ट से ग्रसित होता है, उस पर जो उसकी ममता होती है वो अत्यधिक छलकती है। उस पर जो अपनी ममता होती है उसको वह ज्यादा प्रदर्शित करती है। उससे देखने वाले को यह प्रतीत होता है कि मां इससे अधिक प्रेम कर रही है। अब देखने वाले को तो महसूस हुआ लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा हुआ कि उस पे कष्ट था, वो दुखी था, वो दुर्बल था, वो असहाय था, इसलिए उसकी मदद वो अपनी करुणा भाव से की। अब वो घटना किसी के साथ भी हो सकती है, बड़े के साथ यदि बड़ा कुछ ऐसा है तो उसके साथ भी उसकी करुणा परिलक्षित होगी, छोटा है उसके प्रति होगी, बीच वाला कोई भी अन्य पुत्रों के साथ यदि ऐसी घटना घटती है या वह बहुत कष्टमय होता है तो मां की ममता उस पुत्र पर करुण स्वर से, वात्सल्य से वो दिखने लगती है। वो है मां की ममता, मां का स्नेह। अब बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया था, मां जन्म देने वाली मां, पालने वाली मां, गौ मां, पृथ्वी मां, और भी जो मां की उपाधि हैं, जैसे आप देखते हो भाभी मां, आपने सुना होगा, उन्हें भी मां का दर्जा प्राप्त है, और जो पत्नी की मां होती है उन्हें भी मां का दर्जा प्राप्त है, तो मित्र की जो पत्नी होती है उसे भी मां का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे जो मां हैं इन सब का प्रति स्नेह, सबका प्रेम अपने पुत्र के प्रति परिलक्षित होता है। तो ये जो पाठ है, जननी तुल्य वत्सला, मां का जो प्रेम है अपने पुत्र के प्रति क्या होता है, छलकता है, अपने मां पुत्र के प्रति वो व्यक्त होता है, और खास तौर से उस पुत्र के प्रति जो निर्बल होता है, असहाय होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, उस पर उस मां का प्रेम अत्यधिक दिखता है। और जब तक वह पुत्र कष्टमय रहता है तब तक उस मां की ममता उस पर अत्यधिक बनी रहती है। तो ये जो पाठ है ये हमें मां की ममता के प्रति अग्रसित कर रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि समाज में जो भी माएं हैं, जितनी भी माताओं का मैंने नाम बताया, जितनी भी माताएं हैं, सभी का हमें सम्मान करना है, सभी का हमें आदर करना है, सभी का हमें दंडवत प्रणाम करना है। अपने से जाने और अनजाने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो हमें चरण छूकर उनसे अपने गलती सुधारने का अवसर प्रदान करना है,
जो हमसे गलती हो जा रही है वो गलती हमें माफ करें, क्षमा करें, और हर माँ का यह दायित्व तो होता है। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि माँ शब्द प्रारंभ से लेकर और अंत तक हमारे जीवन में व्याप्त होता है, तो हमें अपनी माँ का सदा सम्मान करना है। धन्यवाद।